दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची घटना से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति भी भगवान के अस्तित्व को मानने पर मजबूर हो जाएगा। जो लोग ईश्वर को काल्पनिक समझते हैं, उन्हें इस वीडियो को देखने के बाद भगवान पर विश्वास हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले रोचक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यह घटना सन 1993 की उत्तर प्रदेश के एक गांव की सच्ची घटना है। हरिपाल दास नामक एक संत हुआ करते थे। उस गांव में उन संत की एक मढ़ी थी, उसी में वे बड़े महंत हुआ करते थे। उनके अलावा उनके कुछ चेले भी वहीं रहते थे। उन चेलों का काम मढ़ी की व्यवस्था तथा सफाई और भोज्य सामग्री को प्रबंधित करने का था। हरिपाल दास बाबा अपने शिष्यों द्वारा लाई गई भिक्षा को एकत्रित करके मढ़ी में आयोजित भंडारे में अर्पित कर देते। इससे वहाँ पर हमेशा भंडारा चलता रहता था। एक दिन जब वहाँ पर भंडारा हो रहा था, उस दिन हर दिनों से अधिक संख्या में लोग आए हुए थे। यह देख बाबा हरिपाल दास के शिष्य चिंतित थे कि आज तो हर दिन से अधिक भीड़ में लोग आए हुए हैं। सारे शिष्य और रसोइयां भी चिंतित थे, उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझ रहा था। वे सब इस बात से भी भयभीत थे कि अगर महंत को यह बात मालूम पड़ी तो वे बहुत दुखी हो जाएंगे। बाबा हरिपाल दास अपनी समाधि में लीन थे। उनकी समाधि अत्यंत कठोर एवं कष्टदायी होती थी। वे चारों ओर गोबर के सूखे उपयों को अपने पास इकट्ठा करवाकर शिष्यों से उन्हें जलवाकर समाधि में लीन रहते थे। फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बाबा को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे अपनी घंटों की समाधि में ऐसे ही लीन रहते थे। उस दिन भी बाबा रोज की तरह अपनी समाधि में लीन थे। उधर जब सभी शिष्य तथा रसोइयों ने मिलकर भी समस्या का समाधान नहीं खोज पाया और उनका आटा और तेल समाप्त होने लगा, तो वे और भी चिंतित होने लगे। इसी चिंता में उन सभी ने बाबा को यह बात बताना ही बेहतर समझा। वे सभी बाबा हरिपाल दास की कुटिया की ओर चल पड़े। वहाँ पहुँचकर उन सभी ने बाबा को पुकारा। बाबा हरिपाल दास अपनी समाधि में लीन थे। बार बार पुकारने पर बाबा ने अपनी आँखें खोली और सामने अपने शिष्यों तथा भंडारा में कार्यरत रसोइयों को देखा तो बाबा के चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कुराहट उभर आई। मगर बाबा उनसे अपनी गंभीर वाणी से पूछा, क्या बात है जो तुम सब इस वक्त हमारे पास आए हो? कोई परेशानी है या कोई अभिनिज्ञ घटना घटित हो गई है? इस पर वे सभी शिष्य हाथ जोड़कर बोले कि गुरुजी, आज तो बहुत ही बड़ी परेशानी हुई है, आन खड़ी हुई है। लगता है आज भगवान हम सबकी परीक्षा ले रहा है। गुरुदेव, हम सबको कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। आज चल रहे भंडारे में लोग अधिक संख्या में आए हुए हैं, जिसके कारण हमारे खाद्य कोष रिक्त पड़ गए हैं, जिसमें आटा और तेल बिल्कुल समाप्त होने वाला है। ऐसी अपने शिष्यों की बात सुनकर बाबा हरिपाल दास जी बोले कि कोई बात नहीं है, घबराना छोड़कर अपने आप को स्थिर रखो और हमारी बात ध्यान से सुनो। यह भंडारा हमारा नहीं है, ना ही हम इस भंडारे का श्रेय अपना समझते हैं। यह भंडारा जिनका है, वे खुद इस समस्या का समाधान खोजेंगे। जो स्वयं एक चावल के दाने से तृप्त होकर दुर्वासा जैसे क्रोधी ऋषियों सहित उनके चेलों की भूख मिटा सकता है, वह इस छोटी सी समस्या को तो क्षण भर में दूर कर देगा। तुम सब कुछ देर यहीं रुको, मैं यह बात इस भंडारे के मारे को बताता हूँ। इतना कहकर बाबा हरिपाल दास ने अपनी आंखें बंद कर ली और नेत्र बंद करके कुछ बड़बड़ाने लगे। सभी शिष्य कौतुक बस यह सब देख रहे थे। इन सभी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं विद्यमान थी। तभी महंत बाबा हरिपाल दास ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े अपने श्रेष्ठ शिष्य को देखकर बोले कि तुम्हें इस भंडारे में घटित जितना भी आटा एवं तेल चाहिए वह सब तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, यह सिर्फ एक ऋण के रूप में तुम्हें मिलेगा, इसे तुम्हें बाद में इस ऋण को चुकाना होगा। इतना कहकर बाबा हरिपाल दास अपनी समाधि पर से उठकर खड़े हो गए और उनकी ओर अपने आसन के चारों ओर उन गोबर के जलकर राख बन चुके थे, उनकी ओर इशारा करके बोले, जाओ जितना भी आटा तुम्हें चाहिए तुम यहाँ से कोई बंद पात्र में भरकर ले जाओ और जो तुम्हें तेल की जरूरत हो उसे कुटी के पीछे तालाब में से ले लेना। बाबा की इन बातों को सुनकर श्रेष्ठ शिष्य कुछ समझ ना सका, मगर गुरु का आदेश को पालन करना ही है। यह सोचकर वह भंडारा जहाँ चल रहा था वो वहाँ जाकर कुछ बर्तन ले आया और बाबा के आसन के चारों ओर की राख भरने लगा। जब सभी बर्तन भर गए तब बाबा हरिपाल दास ने उन बर्तनों को गिनकर भंडारे में भेज दिया। सभी शिष्य सकुचाते हुए उन बर्तनों को लेकर भंडारे में पहुंचे। वहां पर जब उन
बर्तनों को खोला तो सभी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वे सभी बर्तन आटे से थपाथस भरे हुए थे। उन बर्तनों में कहीं भी कोई राख का नामो निशान तक नहीं दिखाई दे रहा था। उन सबका ध्यान तब हटा जब रसोईया ने तेल न रहने की बात कही। सब शिष्य वहीं कुटी के पीछे तालाब की ओर उत्सुकता बस दौड़े। जैसा कि बाबा हरपाल दास ने कहा था, ठीक वैसे ही उन लोगों ने उस तालाब में तेल का खाली ड्रम डाला। फिर दूसरी बार सभी चौंके, क्योंकि ड्रम को तालाब से बाहर निकलते ही वह तेल से भरा हुआ था। हैरानी की बात यह थी कि ड्रम के नीचे टपकता पानी और ड्रम के अंदर शुद्ध असली तेल देखकर सभी चेले बक्के होकर प्रभु का चमत्कार मानकर भंडारा में लौटे, और इसी तरह आज का भी उनका भंडारा पूर्ण हुआ। दोस्तों, आप सबको यह वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना।